बहुत सारा मैसेज आया और मैंने देखा कि जो हेयर्स के रिगार्डिंग में बहुत भाइयों लोग को मतलब इतने सारे सवाल से कि ट्रमा रोलर कितने बार यूज़ करना है, ऑयल को कैसे यूज़ करना है, और अगर मैं बाल अगर मेरा आ जाता है तो उसके बाद क्या मैं शैम्पू यूज़ कर सकता हूँ, सॉप यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो बहुत सारा मैसेज आया था। तो दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ बाहर, यहाँ पे एक जगह पे मैं बैठा हूँ, तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोग के बीच में बता देता हूँ। दोस्तों जो ड्रामा रोलर जो है दोस्तों, स्पेशली ड्रामा रोलर आपको 0.75 mm का एक आता है, वो 1 mm का आता है, एक आता है 1.5 mm का, ओके। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा ड्रामा रोलर, तो मैं आपको वो बताऊँगा। आप देख सकते हो मेरे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा 1.5 mm का, ये देखो ये ड्रामा रोलर है। इस ड्रामा रोलर को आपको अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हो तो आपको 2 times यूज़ करना है 3 महीना तक, ओके। 3 महीना तक इस ड्रामा रोलर को आपके सर पे इसको चलाना है, ओके, सुबह शाम, ओके। ये यूज़ करने से पहले आपके जो सर है उसको आपको वॉश कर लेना है, मतलब धो लेना है, या मतलब पानी से कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है, ओके। इसको धोने के बाद आपको ये सुबह शाम चलाना है, और जो ऑयल्स है इस ऑयल को आपके सर पे स्प्रे करना है, ओके। तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके। एक जो है इसको पहले आप स्प्रे करके आप मसाज कर लीजिए थोड़ा, ओके, उसके बाद आप इसको यूज़ करिए। अदरवाइज आप इसको मतलब स्प्रे करने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इसका जो यूज़ करने का सही तरीका है, आप इसे एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आप 2 times यूज़ कर सकते हो, एक सोने के टाइम और एक मॉर्निंग को जब हम लोग वॉश होते हैं तभी। और कभी भी इस ऑयल को जब आप न्यू हेयर लोशन को जब भी आप यूज़ करोगे तो मतलब आपका जो हेड होता है आप उसे वॉश आपको करना है, धोने के बाद ही आपको यूज़ करना है, ओके। तो मतलब आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है कि मैंने अभी यूज़ कर लिया उसके बाद मैंने सर को साफ नहीं किया, फिर से मैं डर्मा रोलर चलाना चालू किया उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया, तो दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सर पे ना इससे इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। तो ड्रामा रोलर जो है मैं सबसे कहूँगा, अगर आपको हेयर फॉल्स का प्रॉब्लम है, अगर आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है और आपका हेयर पूरा क्लीन हो गया है तो ड्रामा रोलर आपको यूज़ करना है 1.5 mm का। तो 1.5 mm अगर आप कोवेत के अंदर रहते हैं तो कोवेत में आप कोई भी जगह पे मतलब मॉल में जाएंगे, लुलू में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ऑयल के साथ आपको ड्रामा रोलर भी मिल जाएगा, ओके। तो ड्रामा रोलर जो है 10 dinar के अंदर मतलब ऑयल के साथ आ जाता है कोवेत के अंदर। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप फ्लिप जो कार्ट है फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप amazon.com से भी आप बाई कर सकते हो ऑनलाइन, ओके। तो बाई करने का मतलब ये होता है कि आपको कौन सा ड्रामा रोलर लेना है, ओके। तो आपको वहाँ पे देखना है, जब आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो वहाँ पे स्टार आपको देखना है कि कितने लोग इसको परचेस किया है, कि 5 star है, कि 6 star है, कि 4 star है, मतलब आपको दिखाएगा वहाँ पे इसकी क्वालिटी, जो लोग लेते हैं ना तो उसकी क्वालिटी वहाँ पे लोग उसका मतलब रिव्यू देते हैं वहाँ पे कि मतलब प्रोडक्ट कैसा है, ओके। तो आपको जो अच्छा लगेगा मतलब जो ज़्यादा स्टार वाला दिखेगा आपको वो ड्रामा रोलर वहाँ पे बाई कर लेना है, ओके। तो ड्रामा रोलर इंडिया के अंदर आपको 350 rupees तक का आपको अच्छा ड्रामा रोलर आता है। तो एक ड्रामा रोलर आपको कम से कम 3 महीना चलाना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, ओके। क्योंकि इसकी जो ड्रामा रोलर यूज़ करने की जो क्वालिटी जो सनसेट होती है वो 3 महीना ही होता है, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो भी प्रॉब्लम है, ओके। तो ड्रामा रोलर जो होता है दोस्तों आपको डेली यूज़ करके रखना नहीं है, आप जब भी आपको यूज़ करेंगे तो आपको उसको हाइजीन करना पड़ेगा। हाइजीन का मतलब होता है कि आपको गर्म वाटर के अंदर वो ड्रामा रोलर को डाल के आपको क्लीन करना है, उसके बाद जो बॉक्स रहेगा बॉक्स में आपको रखना है, उसके बाद फिर आपको यूज़ करना है, ओके। तो ऐसा आपको डेली करना है। और बात हुई ऑयल की, तो ऑयल जो आपको बाई करना है वो मेड इन थाईलैंड आपको बाई करना है। तो मेड इन थाईलैंड आपको ऑयल के हिसाब को देखना है, तो आप साइड में जाओगे तो वहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल दिया रहेगा, तो आप कोई भी मेड इन थाईलैंड जो ऑयल्स होता है आप उसे बाई कर लीजिए, तभी आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके। तो इसकी रिजल्ट मतलब आपको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 3 महीना के अंदर, मतलब ऐसी कंपनी कहती है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मुझे 2 महीने के अंदर मिल गया, मैंने 2 bottles यूज़ किया, अभी 3rd bottle ख़त्म होने वाला है मेरा। तो 3rd bottle जो ख़त्म होने वाला है आप देख सकते हो, मैं आपको वीडियो में पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो जो ओरिजिनल है ओरिजिनल के ऊपर ऐसा सील लगा हुआ रहता है, ओके। और अगर आप कोवेत के अंदर है तो कोवेत के अंदर जो आपको बाई करना है वो मेड इन थाईलैंड बाई करना है, क्योंकि कोवेत के अंदर जो कोवेत का जो गवर्नमेंट है वो मेड इन थाईलैंड को ही अप्रूव किया है यहाँ पे सेल करने के लिए, ओके।
तो ये प्रोडक्ट था, तो इस प्रोडक्ट को आप बाई करके एक बार यूज़ करके देखें दोस्तों, आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बात हुई ये कि मतलब अगर आपको हेयर्स आ जाता है, ओके, आपका हेयर्स अच्छा मजबूत हो जाता है, तो बाद में आप शैम्पू साबुन जो भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ऑयल को यूज़ करते हो, ओके, तब तक आपके सर पे कोई भी शैम्पू ऑयल से या कोई भी दूसरा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। आपको अगर शैम्पू यूज़ करना है तो आप बेबी शैम्पू ला सकते हो, ओके, क्योंकि बेबी शैम्पू जो होता है 0 केमिकल्स होता है उसके अंदर, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, इससे आपका हेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ओके। दूसरी बात यह है कि आपको ऑयल यूज़ करने से पहले आपका जो हेयर्स है उसे आपको 0 लेवल करवा लेना, मशीन से कटवा लेना, आपको ब्लेड नहीं मरवाना है सर पे, ओके। जब एक बार आपका बाल आ जाता है, ओके, तो आपको सर पे भी आपको ब्लेड नहीं मरवाना है, ओके। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान करना पड़ेगा, ओके, तो ही आपका बाल आपको अच्छा मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो आप इसे सुबह से आप यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद 1 से 2 मिनट 3 मिनट आपके सर पे आपको मसाज करना पड़ेगा, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को भी दबा दो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए।